अम्मी क्या कर रही हैं आप? नहीं खाया जा रहा अंडा, बदबू आ रही है। अरे माँ बनने वाली हो तुम, ये खाना जरूरी है। ये लड़की भी ना। डॉक्टर से बात हो गई है, दोपहर का अपॉइंटमेंट दिया है। चलो ये काम भी अच्छा हो गया। इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, मेरी भतीजी लकी है। मेरी पोते का भी नसीब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी। अच्छा मुझे रेस्टोरेंट जाना है अभी, रुको मैं भी साथ चलती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है सर्दी में बाहर जाने की। जाने देना अम्मी, वहाँ मसरूफ रहूंगी और मुतमइन भी रहूंगी। जल्दी खा लो तुम, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी बाजार जाकर कुछ ऊन ले आऊंगी, अपने पोते के लिए स्वेटर जो बुनना है। ये सब बहुत जल्दी नहीं कर रही हैं, अभी तो जींस का भी नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, पहली बार दादी बन रही हूँ मैं, इस बच्चे के लिए सब कुछ करूंगी क्योंकि मैं उसकी दादी जो हूँ। अम्मी, मोहतरमा ने बुलाया है, गुस्से में लगती हैं। उन्हें पता है कि आप हॉस्पिटल गई थी, कल उन्होंने पूछा था। समझ गई बेटी, समझ गई। तुम आजादे साहिबा के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार करो, ठीक है? अम्मी आराम से बात कीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा और कह दीजिएगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने वही किया जो मुझे करना था बेटी, तो माफी मांगने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मोहतरमा आपने बुलवाया था मुझे? वो दरवाजा किसने खोला था उसके लिए? तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं कदर, कभी झूठ नहीं बोलती तुम। दोबारा पूछती हूं, दरवाजा उसके लिए किसने खोला था? मैंने खोला था। तो वो तुम थी, शाबाश। उस शख्स की बेटी के लिए दरवाजा खोला जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है, और अब वो मेरे पोते का भी यही हाल करना चाहती है। क्या तुमने सोचा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा? कसूरवार हूं मोहतरमा। ठीक है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इस हवेली को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोरिया बिस्तरा समेटो अपना और सीधी मार्दिन चली जाओ तुम। मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, समझी? दुश्मनों की तादाद कम करना जरूरी है।